हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे फेन्युग्रीक में लगने वाली पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़ के बारे में। फेन्युग्रीक में जो पाउडरी मिल्ड्यू है वो एक फंगस जिसका साइंटिफिक नेम है इरिसिफी पोलगोनी के द्वारा कोज किया जाता है, यानी कि इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म होगा इरिसिफी पोलगोनी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डिजीज सिम्टम्स क्या होंगे। तो जैसा कि नेम से शो हो रहा है कि पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़ होगी, तो जो लीफ की सरफेस है उसके ऊपर पाउडरी कलर की फंगस की ग्रोथ अपीयरेंस देगी, जिससे कि क्या होगा, ये पूरी लीफ की सरफेस को जब ये पाउडरी फंगस ग्रोथ कवर कर लेगी तो फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो रिड्यूस हो जाएगी, और फोटोसिंथेसिस के रेट में रिडक्शन के कारण अल्टीमेटली हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। और जो वाइट कलर के पाउडरी स्पॉट्स लीव्स के ऊपर फर्स्टली अपीयरेंस देते हैं, वो साइज़ में थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन जैसे ही ये टाइमली ग्रोथ करेंगे ये एक्सपेंड होते जाएंगे, और कभी कभी लीफ की अंडर साइड पर येलो कलर के स्पॉट्स भी देखने को मिलते हैं। ये हैं फेन्युग्रीक की पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज से अफेक्टेड लीव्स की ये किस टाइप से अपीयरेंस देती हैं इन्फेक्शन के बाद। नेक्स्ट हम देखते हैं पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ फेन्युग्रीक डिजीज़ का डिजीज साइकिल क्या है। सबसे पहले क्या होगा कि जो पैथोजन है वो क्रॉप डेब्रीज जो फील्ड में है या प्लांट डेब्रीज उनके ऊपर सर्वाइव करेगा, उनके ऊपर उसके क्लिस्टोथीसिया सर्वाइव करते हैं। अब क्लिस्टोथीसिया क्या होते हैं, ये फेन्युग्रीक के पाउडरी मिल्ड्यू जो फंगस है उसकी फ्रूटिंग बॉडी होती है जो कि अनफेवरेबल कंडीशंस में उसको सर्वाइव करवा पाती है। क्लिस्टोथीसिया में क्या होगा, सबसे पहले क्लिस्टोथीसिया में एस्कस बनेंगे, और एस्कस बनने के बाद उसमें एस्कोस्पोर्स बनेंगे जो कि जर्मिनेट होंगे और दूसरे किसी प्लांट को इन्फेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, द पैथोजन सर्वाइव्स थ्रू क्लिस्टोथीसिया प्रेजेंट इन द क्रॉप डेब्रीज इन द फील्ड। फील्ड के अंदर जो क्रॉप डेब्रीज पहले से पड़े हैं उनके ऊपर क्लिस्टोथीसिया अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही हम सीड की शोविंग करेंगे तो जो इनोकुलम सोयल में प्रेजेंट था, प्लांट डेब्रीज के ऊपर प्रेजेंट था, वो प्राइमरी इन्फेक्शन का वर्क करेगा और प्लांट को अफेक्ट करेगा। प्लांट को अफेक्ट करने के बाद पत्तियों में सिम्टम्स दिखाई देंगे, और उसके बाद इसमें स्पोर्स वो अपने जर्मिनेशन करेंगे, अपनी ग्रोथ को इंक्रीज करेंगे और स्पोर्स बनाने लगेंगे। कोनिडिया स्पोर्स बनेंगे, तो कोनिडिया स्पोर्स जो है वो विंड या फिर वाटर के थ्रू एक प्लांट से दूसरे प्लांट के ऊपर ट्रांसफ़र होंगे, जिससे कि सेकेंडरी इन्फेक्शन कोज किया जाएगा, और बाद में जो क्लिस्टोथीसिया बनेंगे वो वापस से प्लांट डेब्रीज के ऊपर कई सालों तक सर्वाइव करते रहते हैं। ये है पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ फेन्युग्रीक का डिजीज साइकिल। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी फेवरेबल कंडीशंस क्या होंगी, कि ये जो पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़ है वो सबसे ज़्यादा कौन से सीज़न में या किस टाइप की उसको एनवायरमेंटल कंडीशन मिलेंगी तब वो सबसे ज़्यादा ग्रोथ करेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि चाहे कोई से भी डिजीज़ हो, पाउडरी मिल्ड्यू ही क्यों, फंगस की जितनी भी डिजीज़ हैं उनके लिए ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी डिजीज़ के स्प्रेड करने में। तो सिमिलरली वो पाउडरी मिल्ड्यू के को स्प्रेड करने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी लगभग मोर देन 85% फेवर करती है स्पोर फॉर्मेशन को, यानी कि अगर ह्यूमिडिटी जो है वो 85% से ज़्यादा हुई तो बहुत ज़्यादा मात्रा में फंगस जो है वो स्पोर का फॉर्मेशन करेगा, और अगर थोड़ी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हुई तो जो स्पोर्स बने हुए हैं वो डिस्पर्स हो जाएंगे, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह फैलने लग जाएंगे। फेवरेबल सीजन में क्या होगा कि जो एस्कोस्पोर्स हैं, एस्कोस्पोर्स एक जो कि क्लिस्टोथीसिया में बनते हैं, क्लिस्टोथीसिया में एस्कस बनेंगे, एस्कस के बाद एस्कोस्पोर्स बनेंगे, वो क्या होंगे, उनको जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो वो डिसइंटीग्रेट होते हैं एंड लिब्रेट होते हैं ताकि वो जर्मिनेशन कर सकें और न्यू क्रॉप प्लांट जो है उसको इन्फेक्ट कर सकें। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके कंट्रोल के लिए हम क्या करते हैं, हम इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट को अडॉप्ट करते हैं, यानी कि IDM को अडॉप्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम कुछ कल्चरल मेथड्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम रेसिस्टेंट वेराइटीज़ ग्रो करेंगे, वो वेराइटीज़ जिनमें कि इस डिजीज़ का अटैक या तो होता ही ना हो या फिर कम होता हो, जैसे कि प्रभा, GC7, UM34 इत्यादि। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं कि
प्लांट में स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए हम पर्याप्त मात्रा में इरिगेशन देंगे और पर्याप्त मात्रा में ना ज़्यादा ना कम फर्टिलाइजर्स का एप्लीकेशन करेंगे, और ओवर क्राउडिंग ना हो, यानी कि जो अपना फील्ड है उसमें पौधों की मात्रा ज़्यादा ना हो कि वो एक दूसरे से एकदम बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग ना हो जिसके कारण ये डिजीज़ ज़्यादा फैले। तो हम एडिक्वेट स्पेसिंग रखेंगे, एक पर्टिकुलर जो स्पेसिंग होती है, साइंटिफिक जो स्पेसिंग होती है उसे हम मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं केमिकल मेथड से ट्रीटमेंट लेना होगा, तब हम डस्ट सल्फर 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर से का इस्तेमाल करेंगे, या फिर फोलियर स्प्रे करेंगे वेटेबल सल्फर की 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, जब फील्ड में हमारी डिजीज अपीयरेंस देने लगेगी, या फिर जैसे ही डिजीज़ का इनिशिएशन होता है हम हेक्साडेकानोल 0.05% का स्प्रे कर सकते हैं, जो कि 10 से 14 दिन के अंतराल पर हमें रिपीटेटिवली इसका स्प्रे करना होगा।